हे गाइस, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं हिंदी टेक HD। आज की इस वीडियो में हम कंपेयर करेंगे और देखेंगे सैमसंग गैलेक्सी M51 और रियलमी X7 प्रो में कौन बेस्ट है, और साथ ही देखेंगे फोन के कैमरा, परफॉर्मेंस, डिस्प्ले, बॉडी, फीचर्स, कम्युनिकेशन चिप्स और प्राइस में कौन विनर है, और लास्ट में बात करेंगे कि मेरे अकॉर्डिंग कौन विनर है। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं कंपैरिजन फोन के कैमरा के साथ। शुरू करते हैं रेयर कैमरा से। M51 आता है क्वाड कैमरा सेटअप के साथ, जिसमें 64 मेगापिक्सल का वाइड कैमरा, 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा, 5 मेगापिक्सल का माइक्रो कैमरा और 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर मिलता है। और यही बात करें X7 प्रो की, तो उसमें भी आपको क्वाड कैमरा सेटअप मिलता है, जिसमें 64 मेगापिक्सल का वाइड कैमरा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा, 2 मेगापिक्सल का माइक्रो कैमरा और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर मिलता है। तो यहाँ विनर है M51। बात करते हैं फ्रंट कैमरा की। दोनों ही फोन में आपको मिलता है 32 मेगापिक्सल का वाइड कैमरा, तो यहाँ होता है टाई। और अब बात करते हैं कैमरा के फीचर्स की। दोनों ही डिवाइस में आपको मिलता है LED फ्लैश, HDR एंड पैनोरामा, तो यहाँ पे भी होता है टाई। चलिए अब बात करते हैं वीडियो रिकॉर्डिंग की। M51 रिकॉर्ड करता है 4K वीडियो 30 FPS पे और 1080p वीडियो 30 FPS पे, और X7 Pro रिकॉर्ड करता है 4K वीडियो 30 और 60 FPS पे। 1080p वीडियो रिकॉर्ड करता है 30, 60 और 120 FPS पे जायरो इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन के साथ, तो यहाँ विनर है X7 Pro। चलिए अब बात करते हैं फोन के परफॉर्मेंस की। स्टार्ट करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम से। दोनों ही फोन आपको मिलते हैं एंड्रॉइड 10 ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ, तो इसलिए यहाँ होता है टाई। बात करते हैं यूजर इंटरफेस के बारे में। तो M51 में आपको मिलता है One UI और X7 Pro में आपको मिलता है Realme UI। तो यहाँ पे मैं करती हूँ टाई, क्योंकि ये आप पे डिपेंड है कि आपको कौन सा UI पसंद है। चलिए बात करते हैं प्रोसेसर के बारे में। यहाँ M51 में आपको मिलता है Snapdragon 730 और X7 Pro में मिलता है MediaTek Dynamic 1000+, तो यहाँ विनर है X7 Pro, क्योंकि ये आपको देगा बेटर परफॉर्मेंस। अब बात करते हैं फोन के GPU चिप्स की। तो यहाँ आपको M51 में मिलता है Adreno 618 और X7 Pro में आपको मिलता है Mali G77 MC9, तो यहाँ पे विनर है X7 Pro, क्योंकि गेम्स खेलते वक्त ये आपको देगा बेटर FPS। बात करते हैं क्लॉक स्पीड की। तो M51 क्लॉक करता है 2.2 GHz पे बेस्ड ऑन ऑक्टाकोर क्रायो 470 गोल्ड, और यहीं X7 Pro क्लॉक करता है 2.6 GHz पे बेस्ड ऑन ऑक्टाकोर कॉर्टेक्स A77, तो यहाँ पे विनर है X7 Pro, क्योंकि इसकी क्लॉक स्पीड ज्यादा है M51 से। अब बात करते हैं फोन के रैम के बारे में। M51 आता है 6GB रैम के साथ और 7X Pro आता है 6 और 8GB रैम ऑप्शंस के साथ, तो दो रैम ऑप्शंस होने के कारण यहाँ विनर होता है X7 Pro। बात करते हैं फोन के इंटरनल स्टोरेज के बारे में। M51 में मिलता है 128GB इंटरनल स्टोरेज और X7 Pro में मिलता है 128 एंड 256GB इंटरनल स्टोरेज, तो ज्यादा स्टोरेज ऑप्शंस होने के कारण यहाँ विनर है X7 Pro। अगर बात करें एक्सटर्नल स्टोरेज की, तो M51 में मिलता है माइक्रो SD XC डेडिकेटेड कार्ड स्लॉट, लेकिन X7 Pro में आपको कोई कार्ड स्लॉट नहीं मिलता, तो इसलिए यहाँ पे विनर है M51। चलिए अब बात करते हैं फोन के डिस्प्ले के बारे में। स्टार्ट करते हैं डिस्प्ले साइज से। M51 आता है 6.7 इंचेस की डिस्प्ले के साथ और X7 Pro आता है 6.55 इंचेस की डिस्प्ले के साथ, तो यहाँ पे विनर है M51। बात करते हैं स्क्रीन टू बॉडी रेशो की। M51 में ये रेशो है 8.7% का और X7 Pro में है 85.8% का, तो ज्यादा रेशो होने के कारण यहाँ विनर है M51। बात करते हैं स्क्रीन रेजोल्यूशन की। दोनों ही डिवाइस आते हैं फुल HD प्लस डिस्प्ले के साथ, तो यहाँ पे है टाई। अब बात करते हैं डिस्प्ले टाइप की। M51 में आपको मिलता है सुपर एमोलेड डिस्प्ले और X7 Pro में मिलता है सुपर एमोलेड डिस्प्ले 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ। 120Hz रिफ्रेश रेट देगा आपको बेटर एक्सपीरियंस, तो इसलिए यहाँ विनर है X7 Pro। चलिए अब बात करते हैं फोन के बॉडी की। स्टार्ट करते हैं थिकनेस से। M51 की थिकनेस है 9.5mm और X7 Pro की थिकनेस है 8.5mm, तो यहाँ पे विनर है X7 Pro। अगर बात की जाए वेट की, तो M51 का वेट है 213 ग्राम्स और X7 का वेट है 184 ग्राम्स, तो लाइट वेट होने के रीजन से यहाँ विनर है X7 Pro।
अब बात करते हैं फोन के प्रोटेक्टिव ग्लास की। M51 आता है गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन के साथ और X7 Pro आता है गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन के साथ। तो गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन के साथ यहाँ विनर होता है X7 Pro। और अब बात करते हैं बिल्ड क्वालिटी की। तो M51 आता है प्लास्टिक बैक और प्लास्टिक फ्रेम के साथ और X7 Pro आता है ग्लास बैक और प्लास्टिक फ्रेम के साथ। तो ग्लास बैक की वजह से यहाँ पे विनर है X7 Pro। बात करते हैं फोन के सिम की। दोनों ही फोन में है ड्यूअल नैनो सिम स्लॉट, तो यहाँ पे है टाई। आगे बढ़ते हैं फोन के फीचर्स की तरफ। स्टार्ट करते हैं फिंगरप्रिंट स्कैनर से। M51 में मिलता है साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर और X7 Pro में मिलता है अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर। तो अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर होने के कारण यहाँ पे विनर है X7 Pro। और बात करते हैं फोन में मिलने वाले सेंसर्स की। तो दोनों ही फोन में आपको मिलते हैं एक्सेलेरोमीटर, जायरो, प्रॉक्सिमिटी एंड कंपास। तो यहाँ पे है टाई। अब बात करते हैं फोन की बैटरी की। M51 आता है 7000 mAh की ह्यूज बैटरी के साथ और X7 Pro आता है 4500 mAh की बैटरी के साथ। तो ज्यादा बैटरी कैपेसिटी होने के रीजन से यहाँ विनर है M51। बात करते हैं चार्जिंग स्पीड की। M51 आता है 25 वॉट्स की फास्ट चार्जिंग के साथ और X7 Pro आता है 65 वॉट्स की फास्ट चार्जिंग के साथ। तो यहाँ पे विनर है X7 Pro। बात करते हैं लाउड स्पीकर्स की। तो यहाँ पे दोनों ही फोन में आपको नॉर्मल स्पीकर्स देखने को मिलते हैं, तो यहाँ पे है टाई। और अगर बात करें फोन के हेडफोन जैक की, तो दोनों ही फोन में आपको मिलते हैं 3.5 mm के हेडफोन जैक। तो यहाँ एक बार फिर होता है टाई। बात करते हैं फोन के कम्युनिकेशन की। स्टार्ट करते हैं वायरलेस लैन से। दोनों ही डिवाइस में आपको मिलता है ड्यूअल बैंड वाईफाई, वाईफाई डायरेक्ट एंड हॉटस्पॉट। तो यहाँ पे है टाई। अब बात करते हैं ब्लूटूथ की। दोनों ही डिवाइस आते हैं 5th generation की ब्लूटूथ के साथ, तो यहाँ पे भी होता है टाई। अब बात करते हैं GPS चिप्स के बारे में। M51 में आपको देखने को मिलेगा AGPS, GLONASS, Galileo और BDS और X7 Pro में आपको मिलेगा ड्यूअल बैंड AGPS, GLONASS, Galileo, QZSS एंड BDS। तो ज्यादा GPS चिप्स होने के कारण यहाँ पे विनर है X7 Pro। और अब बात करते हैं USB की। तो दोनों ही डिवाइस आते हैं 2nd generation के टाइप सी रिवर्सिबल कनेक्टर के साथ, तो यहाँ है टाई। और अब आखिर में बात करते हैं फोन के प्राइस की। इंटरनेशनल मार्केट में दोनों ही डिवाइस का प्राइस शुरू होता है $300 से और इंडियन मार्केट में M51 का प्राइस स्टार्ट होता है 25,000 rupees से और X7 Pro का प्राइस स्टार्ट होता है 30,000 rupees से। और अब आखिर में बारी है वीडियो के कंक्लूजन की। तो यहाँ कैमरा में है टाई, परफॉर्मेंस में विनर है X7 Pro, डिस्प्ले में विनर है M51, बॉडी सेगमेंट में विनर है X7 Pro, फीचर्स में विनर है X7 Pro, कम्युनिकेशन में विनर है X7 Pro और प्राइस में भी विनर है X7 Pro। सो द डिसीजन इज डिपेंड्स ऑन यू कि आपको कौन सा डिवाइस पसंद आया, और मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपको कौन सा डिवाइस बेटर लगा। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं फेसबुक पे तो हमारे हिंदी टेक HD पेज को जरूर लाइक करें। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो मेरी ID स्क्रीन पे है। मैं हूँ अंजलि और मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।